नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। हथरौलिया से खबर है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डब्ल्यू एच ओ के SMO डॉक्टर पदम जैन द्वारा सर्विलांस वर्कशॉप टीम को विशेष जानकारी प्रदान की गई, जिसके ये 5 बीमारियों के सर्विलांस के बारे में बताया गया। यह 5 बीमारियां पोलियो, खसरा, गला घोटू, काली, कुकुर, खांसी, नवजात टिटनेस के बारे में समस्त चिकित्सक, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ANM आदि लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। इसके बारे में बताया कि पोलियो रोग एक वायरस रोग द्वारा होता है, जो केवल मनुष्य में पनपता है और बीमारी पैदा करता है। पोलियो की 3 प्रजातियाँ होती हैं। प्रजाति का संक्रमण विश्व के कुछ भागों में जारी है। प्रजाति का उन्मूलन 1999 में हो चुका है। प्रजाति का उन्मूलन 2015 में पाया गया था। पोलियो कैसे फैलता है, किसे रिपोर्ट करना चाहिए, रोगी को कैसे पहचानेंगे, किसे रिपोर्ट नहीं करना है, रिपोर्ट के पश्चात क्या होता है, तुरंत क्यों मल का नमूना कब एडेक्वेट कहलाता है, मल का नमूना कैसे लें, सूचना देने से मरीज को क्या लाभ होगा, आदि विषयों पर लोगों को जानकारी दी गई। आगे सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। ये एक्चुअली पोलियो सर्विलांस से रिलेटेड हमारे सर मंडलीय स्तर के अधिकारी WHO के SMO सर आए हुए हैं। इसमें हम अपने यहाँ के समस्त चिकित्सकों का, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ANM सबकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो हम लोग सर्विलांस करते हैं कि पोलियो पोलियो हमारे देश से आजकल ख़त्म है। पोलियो फ्री सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए कोई इस तरह का केस ना आ जाए, उससे मिलती जुलती बीमारियों का हम लोग जांच करते हैं, उसको मल का परीक्षण करते हैं, तो उस ऐसे केसों को कहीं छूटने ना पावे, सर्विलांस माने उसका उस पर लगातार नज़र रखना, उसी का वर्कशॉप किया जा रहा है। परीक्षण में बताया जाए टीकाकरण के बारे में, कई बीमारी टीकाकरण जी, जिस तरह टीका करके हम बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह का बीमारियों से संबंधित उस तरह मिलता जुलता का केस मिलता है तो उसको हमको रिपोर्ट करते हैं, उसकी फिर हम परीक्षण करते हैं, क्या हम उस तरह की बीमारी है इस अपने परिसर में या अपने समाज में, अगर है तो हम फिर अपना उसमें उसका जांच करना, उसका टीका लगाना, बढ़ा करके हम बीमारी को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इसका कोई बचाव नहीं है कि बस टीकाकरण ही लगा, टीकाकरण चल ही रहा है, सर्विलांस है, खोजना, उस तरह से लक्षण मिलते जुलते का लक्षण है तो उस पर नज़र रखना, कहीं वो बीमारी तो नहीं आ गई, ये देखने का मकसद है। ये अपने कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है, हमारे SMO सर आए हुए हैं, WHO के सर ये बता रहे हैं, जिससे कि हम इस तरह का सर्विलांस और अच्छे से कर सकें।